नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आपने देखना शुरू कर दिया है गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन। जन गण मन यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार देश बचाओ और संविधान बचाओ बैनर तले नागरिकता कानून संशोधन बिल CAA NPRA और NRC के खिलाफ पिछले 16 दिनों से सभा कर रहे हैं। इसको लेकर CAA समर्थक उनका विरोध करना अब शुरू कर दिया है। कल यानी बुधवार को JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के काफिले पर शाम में DM आवास के पास हमला हुआ। इससे पहले उन पर छपरा गोपालगंज में भी हमला हो चुका है। मोतिहारी में उनको जूता चप्पल दिखाकर विरोध किया गया था। अपने ऊपर हो रहे हमले पर कन्हैया ने कहा कि पत्थर फेंकिए, शीशा तोड़ दीजिए, सर फोड़ दीजिए, लेकिन यह ना कहिए कि अपना हक छोड़ दीजिए। यह अपनी सभा में गृह मंत्री और PM पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं और जिससे उन्हें लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से समर्थन मिल रहा है। आए थे आप लोग? हम लोग यहाँ सुपौल आए थे, ये जलसा में अंगूठी में लग गया है। कहाँ से चले थे आप लोग? हम लोग पटना से यात्रा निकला है। हाँ, ये पूरा अड़ती जिला का यात्रा है। किसके प्रोग्राम में आप आए थे? कौन आया लेकर आया? ने किया? नहीं सर, कुछ गाड़ी का भी क्षति हुआ इसमें। नहीं, नहीं, गाड़ी की नहीं। जब बिहार की बेटियों के ऊपर मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में अत्याचार हुआ था, तब तुम इस राज्य के जो मंत्री हैं, मंत्री को जाकर के तुम काला झंडा दिखाते, तब समझ में आता कि तुम देश बचाने के लिए निकले हो। जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के चलते नौनिहालों की मौत हो रही थी, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जाकर के तुम काला झंडा दिखाते, तब हमको समझ में आता कि तुम देश बचा रहे हो। जब इस देश में 3,16,00,000 नौजवानों की नौकरी छीन ली गई, तब तुम जाकर के प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाते, तब समझ में आता कि तुम देश बचा रहे हो। जब इस देश में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, तो तुम देश के गृह मंत्री को काला झंडा दिखाते, तब समझ में आता कि तुम देश की रक्षा कर रहे हो। आप हमारे देश के नौजवानों को भड़का रहे हैं, धर्म के नाम पर आप हमारे देश के नौजवानों को बड़गड़ा रहे हैं। हम समझते हैं कि आप हमारे हाथ में बंदूक थमा दिए हैं और अपने बेटे के हाथ में BCCI थमाए हैं। महिला का नाम NRC से बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नसीमा का नाम काट करके हटा दिया जाएगा, नीलम का नाम भी काट करके हटाया जा सकता है। यह हम तमाम लोगों को समझना पड़ेगा कि कागज की छोटी छोटी गलतियों के चलते माँ का नाम NRC में है, बाप का नाम NRC में है, एक भाई का नाम भी NRC में है, दूसरे भाई का नाम काट करके हटा दिया गया है, तो दूसरा क्या व्हाट्सएप मैसेज से आया था? वादा करता हूँ कि अपने हक के लिए हम लड़ेंगे और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए जब ये जनगण मन यात्रा आज विभिन्न जिलों में घूम रहा है, तो कई जगह हमारे ऊपर पत्थर फेंका जाता है। पहली बात तो ये कि तुम पत्थर फेंक दो, सर फोड़ दो, गाड़ी तोड़ दो, लेकिन ये ना कहो कि अपना हक छोड़ दो। हम हक नहीं छोड़ने वाले हैं। तुमको लगता है कि पत्थर फेंककर, गाड़ी का शीशा तोड़कर तुम हमको डरा दोगे, तो जरा दिल्ली अपने फुफा को फोन कर लेना, अपने फुफा से पूछ लेना, अपने फुफा से पूछ लेना कि बिहार की इस क्रांतिकारी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इन बेईमान तरीपारों से हम डरने वाले नहीं हैं। तुमको जितना कोशिश करना है कर लो, जितना दम लगाना है लगा लो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ये तुमको चुनौती देते हैं और कई बार तो जब माननीय मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार में NRC किसी कीमत पर नहीं होगी, हाउस में कहा और जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये भी आश्वस्त करा दिया कि NPR 2011 के पैटर्न पर हो, उससे नीचे कोई बात नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन के वो सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए, फिर उसके बाद भी लोग अपनी जात, अपनी बिरादरी और अपने लोगों को लेकर सड़क पर तो उतर नहीं पा रहे हैं।
मुस्लिम मोहल्ले में ढूंक करके ताली खूब पिटवा रहे हैं। तो ये बात जब क्लियर माननीय नीतीश कुमार जी ने कर दिया, उसके बाद भी आखिर कौन सा इनके पास क्राइटेरिया है भरोसा करने का, वो भी तो बतावें। इसलिए मेरा कहना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में साफ स्पष्ट कह दिया और एनडीए की बैठक में जनता दल यू के हमारे सांसदों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, सदन ने जब ये बात रख दिया कि इस पर बदलाव कीजिए, ये नहीं चलेगा, फिर उसके बाद क्या मतलब है भाई? अगर मतलब है, मैं मानता कि आप बहुत बड़े हमदर्द हैं, तो अपनी जात, अपने धर्म, अपने समुदाय के उन लोगों को, जिन लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, जो आसाम की रिपोर्ट के हिसाब से है, उन लोगों को जागरूक करते, रोड पर लाते तो बात बनती। जिसको देखिए वही पहुंच जा रहा किसी न किसी बाग में, ताली पिटवा रहा है। इसलिए लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट में सीए के आ गई है और 148 याचिकाएं जब दायर हैं, तो जाहिर सी बात है अब तक के इतिहास में किसी भी कानून के खिलाफ इतनी याचिकाएं नहीं पड़ी थी जो पहली बार पड़ी है। और इस पर पूरा देश देख रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर गंभीरता विचार करेगा। अब बिहार में जब फिर मैं कह रहा हूं, जब क्लियर हो गया कि एनआर करने का डिमांड हो चुका है, तो बाकी तो स्वतंत्र हैं लोग, जिसको जो करना है करे।